ठीक है तो हमसे कह रहा है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो मैट्रिक्स मेथड का यूज करके ठीक है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके मतलब हम क्या करेंगे पहले तो ये जो अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये अपनी ए एक्स इज इक्वल टू बी का फॉर्म है राइट तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोफिन मैट्रिक्स होती है ए तो ये है इसका कोफिशन क्या है वन माइनस वन टू ये थ्री फोर माइनस फाइव एंड दिस इज टू माइनस वन थ्री ठीक है और x क्या होती है वेरिएबल मैट्रिक्स कितने वेरिएबल हैं तीन वेरिएबल हैं x y z तो ये वेरिएबल मैट्रिक्स होगी और b ये मैट्रिक्स हो गई इक्वल के इधर साइड वाली ठीक है ये अपनी b मैट्रिक्स हो गई तो ये x is equals to b का फॉर्म है और अगर हमें इसका लीनियर इक्वेशन है ठीक है इसका मैट्रिक मेथड से निकालना है इसका सॉल्यूशन यानी x y z की वैल्यू निकालनी है तो अगर हम देखें तो ये जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स है पहले इसका ट चेक कर लेते हैं अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्स टू जीरो तो इनवर्स पॉसिबल है तो एक्स की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं इनवर्स बी ये मैट्रिक्स इधर है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर जाएगी तो ये हो जाएगा इनवर्स इनवर्स आ गया और उसका बी से बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी ये एक्स वाइज एड की वैल्यू आ जाएगी एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी ठीक है तो पहले तो देखते हैं कि क्या इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो क्या इसका इनवर्स पॉसिबल होगा या नहीं तो इनवर्स पॉसिबल होगा या नहीं इसके लिए हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए क्यों क्योंकि की कंडीशन क्या होती है कि ऑफ ऑफ ए ए अपॉन होता है राइट right? और डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका इनवर्स डिटर्मिनेंट निक, निकालते हैं तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फोर थ्री ट्वेल्व माइनस ये क्या हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 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 प्लस लगता है माइनस ये हो जाएगा प्लस टू uh, three, ये क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थ्री वन थ्री फोर टू जट तो ट्वेल्व माइनस फाइव क्या होता है सेवन एंड टेन प्लस नाइन इज नाइनटीन माइनस एट एट नाइन एंड इलेवन माइनस इलेवन टू ट्वेंटी टू तो नाइनटीन प्लस सेवन माइनस ट्वेंटी टू इज इक्व टू फोर विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो डिटर्मिनेट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ से हम लिखेंगे दस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर ठीक है नॉन सिंगुलर मेट्रिक्स दे फोर दे आर फोर इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट राइट इट्स इनवर्स एग्जिस्ट तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ से हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा इनवर्स एग्जिस्ट ठीक है तो यहाँ से हम एड ऑफ ए की मैट्रिक्स निकालेंगे और एड ऑफ ए अपना क्या होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है किस फॉर्म में होती है मैट्रिक्स ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री इस टाइप की मैट्रिक्स होती है अपनी एड ऑफ ए की मैट्रिक्स तो यहाँ से देखो ए वन वन हमारा क्या आ जाएगा ये चेक कर लेते हैं ए वन वन यानी इवेंट टर्म है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे फर्स्ट रो फोर थ्री फोर माइनस फाइव माइनस वन टू फोर माइनस फाइव माइनस वन फोर माइनस फाइव माइनस वन एंड दिस इज फोर माइनस फाइव माइनस वन थ्री ठीक है ना तो ये क्या आ जाएगा फोर थ्री इज ट्वेल्व माइनस फाइव तो ट्वेल्व माइनस फाइव इज सेवन राइट ये आ गया सेवन आ गया ए वन टू की बात करें तो वन टू माइनस क्योंकि टू प्लस वन और टर्म हो जाएगा तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो थ्री माइनस फाइव टू थ्री 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 जर नाइन एंड थ्री माइनस फाइव टू थ्री थ्री माइनस फाइव टू थ्री थ्री माइनस फाइव टू थ्री दिस इज माइनस ऑफ थ्री थ्री जर नाइन माइनस फाइव टू जर टेन टेन नाइन नाइनटीन दिस इज माइनस नाइनटीन ठीक है इसी तरह हम ए वन भी निकालेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और टर्म आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस थ्री फोर टू जै एट एट नाइन टेन इलेवन माइनस इलेवन ठीक है ये आ गया और ए टू वन की बात करें तो टू वन क्या होता है कि सेक सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ठीक है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा टू वन आ जाएगा अपना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस थ्री प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू इज ये क्या हो जाएगा माइनस और टू वन नेगेटिव ऑलरेडी माइनस थ्री प्लस टू तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन तो ए वन टू वन ए टू टू भी इसी तरह क्या आ जाएगा अपना ये आ जाएगा माइनस वन ए टू थ्री क्या टू थ्री आ जाएगा माइनस ऑलरेडी है तो माइनस वन आ जाएगा ठीक है ए टू थ्री ए थ्री वन की वैल्यू क्या आ जाएगी इसी तरह सारे करेंगे तो ए थ्री वन माइनस थ्री ए थ्री टू अपना आ जाएगा इलेवन ए थ्री थ्री आ जाएगा अपना 7 के तो यहां से अपनी A की कैसी दिखेगी ये हम देखते हैं तो एट ज्वाइंट ऑफ ए अपना आ जाएगा कैसा ए वन वन इज सेवन एज माइनस नाइनटीन ए वन थ्री इज माइनस इलेवन और ए टू वन इज वन माइनस वन माइनस वन

क्या चाहिए x चाहिए यानी x y z की वैल्यू चाहिए तो x y z की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं ये x y z क्या a इनवर्स b के इक्वल है यानी x इज equals टू a इनवर्स b अब a इनवर्स b है और b भी है तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी देखो x हो जाएगा अपना x y z के इक्वल ठीक है और a और हमने निकाला one by four seven one minus three minus nineteen माइनस इलेवन माइनस वन सेवन एंड दिस बी मैट्रिक्स अपनी क्या हो जाएगी बी मैट्रिक्स सेवन माइनस फाइव ट्वेल्व सेवन माइनस फाइव एंड ट्वेल्व तो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कराते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये मैट्रिक्स देखो कैसी आ जाएगी ये हो जाएगा सेवन सेवन जोटी नाइन माइनस फाइव एंड बारह थर्टी सिक्स छत्तीस थर्टी सिक्स माइनस नाइनटीन इंटू सेवन इज माइनस वन थर्टी थ्री माइनस माइनस प्लस फाइव एंड दिस इज प्लस इलेवन इंटू टन थर्टी टू और ये क्या आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस सेवनटी सेवन माइनस माइनस प्लस फाइव एंड ट्वेल्व सेवनजा एट्टी फोर होता है ना तो ये देखो सॉल्व करके ये एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या जाएगी? की आ जाएगी इसकी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू वन बाई फोर दिस बिकम्स एट फोर एंड ट्वेल्व अब वन बाई फोर का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से होगा, हर टर्म में तो फोर टू जो फोर फोर थ्री ट्वेल्व तो ये आ गया अपना एक्स वाई जेड तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी हंस हैंक्वल टू टू वाई इज इक्वल्स टू वन एंड जेड इज इक्वल्स टू थ्री तो ये क्या आ जाएगा अपना आंसर हो जाएगा ठीक है ये अपना आंसर हो जाएगा कि एक्स का एक्स की वैल्यू क्या है टू y की वन और z की थ्री ठीक थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर